हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर जैसा कि हम इंजन ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं, आज मैं इस पर आपको फोर्थ नंबर का वीडियो लेक्चर लेके आया हूं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे पैटर्न थ्री की, मतलब प्लेन स्केल का तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे पहचानना है, तो ये टाइप थ्री है। ऐसे मैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा ताकि आप प्लेन और डायगोनल स्केल के क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें RF और लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ता है, चाहे वो प्लेन स्केल का क्वेश्चन हो चाहे वो डायगोनल स्केल का क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अ लेंथ ऑफ 1 डेकामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब एक लेंथ है जो 1 डेकामीटर की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर से। फाइंड द RF, RF फाइंड करना है एंड कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल। यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन है आपको कि प्लेन स्केल ड्रॉ करो, टू मेजर अप टू 2.5 डेकामीटर एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर ऑन इट। ये यहाँ से जो है ये आपको मार्क करना है उसके ऊपर। उसके बाद 2.5 डेकामीटर जो है हमारा मैक्सिमम लेंथ है। तो पैटर्न को हम समझते हैं और उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो पैटर्न थ्री के अंदर क्या है, आपको ये ऐसे दे रखा होगा बर्डिंग फॉर्म में, ना रेशो में होगा ना इक्वल में होगा, थर्ड पैटर्न में आपको कुछ इस टाइप से वर्ड के फॉर्म में बोलेगा। तो 1 डेकामीटर इज रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम RF के फॉर्म में लिखें तो एक डायरेक्ट आपको ये फंडा याद रखना है कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो नीचे आएगी, जो छोटी क्वांटिटी होती है वो बड़ी आएगी ऊपर आएगी सॉरी, और जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं ड्राइंग साइज, और जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं हम एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये ऊपर लिख लिया और नीचे बड़ी क्वांटिटी लिख ली। तो हमने ये कैलकुलेशन किया, मतलब 5 सेंटीमीटर हमने ऊपर लिखा छोटी क्वांटिटी, और डेकामीटर बड़ा होता है तो हमने लिख लिया नीचे। तो ये यूनिट लेस है, यहाँ पर यूनिट है। अब ये यूनिट लेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली हम नीचे की जो यूनिट है उसको ऊपर की यूनिट के बराबर लाके हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसमें जो डेकामीटर है इस डेकामीटर को हम ऊपर की क्या यूनिट है सेंटीमीटर, तो डेकामीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, जैसे कि मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपके सामने रखा हुआ है 1 डेकामीटर इज इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में लाना है तो आपको 1, 2, 3 10 की स्टेप नीचे आना पड़ेगी, यानी 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख रखा है 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो मैंने 1 × 1000 कर दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, यहाँ पर आ गया आपकी RF की वैल्यू 1/200, ठीक है। सिंपल सा स्टेप है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको। सीधा सा ये फंडा याद रखना है कि नीचे जो है वो आपको बड़ी क्वांटिटी लेना है ऑब्जेक्ट की और ऊपर छोटी, और RF कैलकुलेशन करना है यूनिट का कन्वर्जन करके, ठीक है। अब ये डायरेक्ट बोल रहा है प्लेन स्केल बनाओ, ठीक है। तीसरा इसमें एक कन्फ्यूजन दे रखा है उसने कि 2.5 डेकामीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ है, लेकिन बोल रहा है डिस्टेंस 19 मीटर शो करो, मतलब आपको बोल रहा है 19 मीटर की डिस्टेंस शो करो, और 2.5 डेकामीटर जो है इसकी क्या है, ये बोल रहा है मैक्सिमम लेंथ है। तो कैसे पॉसिबल है इस स्केल को बनाना, मतलब इसको शो करना कैसे पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो शो करना है ना उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम लेंथ है 2.5 डेकामीटर में दे रखी, इसको मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 क्या होता है, 10 हो जाएगा आपका मीटर। तो इसमें हम करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 25 हो जाएगा ये आपका मीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25 मीटर, ये इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे डेकामीटर में। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगी जो मैं पहले ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में दे चुका हूं, ठीक है। तो 25 मीटर जो है हमारी ये मैक्सिमम लेंथ है, RF आ गया, मैक्सिमम लेंथ आ गया, इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो आप ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये वाला, ये आपको एग्जाम में भी करना है, यहां से लेके यहां तक नीचे तक। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो जैसे कि RF का पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको, किस टाइप से लिखोगे, ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, RF हम कैलकुलेट कर चुके हैं यूनिट लेस करके, लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ 1/200 इंटू 2.5 डेकामीटर रख रखा है मैंने यहाँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी डेकामीटर रख के इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब हम स्केल बनाएंगे तो हमें 25 मीटर के सेंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो 1/200 2.5 यहाँ से कट किया, डेकामीटर को सेंटीमीटर में बदला, तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल
12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल सिंपल सा आपका 12.5 सेंटीमीटर के स्केल आपको बनाना है, मतलब 25 मीटर जो है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 2.5 डेकामीटर इजिक्वल टू 25 मीटर इजिक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, मतलब इतने बड़े स्केल को आपको 12.5 सेंटीमीटर का पैमाना लेके इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक एक करके इसको आप ड्रॉ करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ों में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं उसको आपका जो भी मन में डाउट है उसका सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। तो इसको हम करके अब सॉल्व करते हैं, इसको एक एक करके। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, स्टेप बाय स्टेप हमको सबसे पहले क्या करना है, 12.5 सेंटीमीटर की जो है स्केल ड्रॉ करना है। तो 12.5 सेंटीमीटर की करने के लिए हम रोलर स्केल लेंगे या ड्राफ्टर, जो भी आप लेना चाहो, दोनों में से कोई चीज़। मैं पेंसिल की मदद से इसको बनाता हूँ। पेंसिल कौन सी लेंगे, पेंसिल हम लेंगे एच पेंसिल। सबसे पहले एक लाइन खींचो आप, कितने की, 12.5 सेंटीमीटर की। 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने खींची, स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी डार्क रहती है एच पेंसिल से हम जब भी बनाते हैं। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आप ऊपर इसकी विड्थ बनाओगे, चौड़ाई लेंगे हम, है ना, दोनों साइड, ताकि स्केल को हम प्रॉपर स्केल की तरह रिप्रेजेंट कर सकें, हो गया। उसके बाद फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। इस स्केल को हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बनाएंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है इसमें क्लियर हो सके। जो भी बनाएंगे हम बिल्कुल सफाई के साथ। तो ये पूरा जो ब्लॉक है ये आपका किससे बनेगा, एच पेंसिल से। अब इसके बाद, इतना होने के बाद, अब आपको दूसरा चीज आता है कि इसको कितने भागों में डिवाइड करें। तो जैसा कि हमको मैक्सिमम लेंथ 2.5 मीटर दे रखा है, सॉरी डेका मीटर, लेकिन हमको शो क्या करना है, 19 मीटर। तो मैंने इसको चेंज किया 25 मीटर, मतलब इसको मीटर में चेंज किया, क्योंकि हमें 19 मीटर दे रखा है जो कि हमें उसके ऊपर दर्शाना है। तो मैंने इसलिए इसको 25 मीटर मैंने मान लिया, ठीक है, माना क्या, इसको कन्वर्ट किया। तो 25 मीटर मैंने कन्वर्ट किया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें कितने पार्ट्स करें, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको देखना पड़ेगा, क्या मैं इसके 25 भाग करूँगा, पार्ट करूँगा, नहीं, हम इतना नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टेप लंबी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 25 डिवाइड बाय 5 इजिक्वल टू 5 मीटर, मतलब एक पार्ट जो है वो आपका 5 मीटर, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, पांचवा 5, टोटल हो जाएगा आपका 25, ठीक है, 25। तो अब हमको एक भाग 5 मीटर का डिफाइन करना है, फिर दूसरा 5 मीटर, फिर तीसरा 5 मीटर, ऐसे हमारे 25 मीटर हम डिफाइन कर लेंगे। और 25 मीटर बराबर होता है 2.5 डेका मीटर। तो करना क्या है, वही सेम स्टेप। अब आपको एक इस कॉर्नर से, यहाँ से आपको एक इंक्लाइन लाइन खींचना है। इसके कितने भाग करना है, 5 भाग करेंगे, एक भाग 5 मीटर का होगा। तो इसके लिए मैं आर्क लूंगा, इस पे आप 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच। ये जो है इसमें आप जनरली 3H या 4H पेंसिल लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कौन सी पेंसिल लेना है, फिर आपको लेना है 4H पेंसिल। अगर 3H पेंसिल आपके उसमें लगी हुई है प्रोटेक्टर या, तो आपको फिर 3H पेंसिल लेना। इसके बाद क्या करना है, इस कॉर्नर से सबसे पहले जो फिफ्थ पॉइंट है, पॉइंट जनरली बना लीजिएगा आप, इसको इससे मिलाना है। और फिर बिना स्केल को उठाए हुए, बिल्कुल रोलर स्केल का यही काम है, अब आगे बढ़ाते हुए पैरेलल लाइनें खींचते जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। बच्चे गलती करते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, लेकिन इसमें हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो इसको हम बराबर भागों में बांटते जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप, ठीक है। अब ना इसमें सबसे पहले इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर नंबर डालेंगे। यहां से 0 1 1 होगा क्या, यहां पे 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1, क्योंकि हम 1 2 3 4 5 नहीं शो कर रहे हैं, यहां पर 5 5 के भाग है यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे
5, उसके बाद 10, उसके बाद 15 एंड देन 20। आ गया समझ में? ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि एक भाग 5 का है, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने एक भाग तो छोड़ दिया किसके लिए, उसकी छोटी यूनिट के लिए, तो ये 5, फिर ये 10, फिर ये 15, फिर ये 20, और 20 प्लस 5 ये टोटल हो गया 25। ठीक है, पूरी स्केल 25 की, लेकिन एक भाग हमने उसके सब डिवीजन के लिए छोड़ रखा है। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन जो है हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन जाएगी आपकी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके सब डिवीजन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि यहां पे क्या रिप्रेजेंट करना है। तो ये 25 है, मीटर में है, 5 भी मीटर में होगा, तो ये 5 सब 5 ये है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर मीटर ही लिखाएगा हम, है ना, METRE मीटर, और ये क्या है 5 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि एक भाग 5 मीटर के है। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है कि अब ये जो पार्ट है इसको कितने भागों में हम डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि 5 मीटर दे रखा है, एक भाग 5 मीटर दे रखा है, तो इसको कितने भागों में, इसको हम 10 में करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो 5 मीटर है ये भी तो एक फिर प्लस एक फिर प्लस एक फिर प्लस एक फिर प्लस एक इजिक्वल टू 5, ये भी तो एक एक से मिलके बना होगा। अगर एक जो था, एक मीटर तो था जो था, उससे हम नीचे और आते, यानी अगर ये मीटर से फिर यूनिट चेंज हो जाती तब हम 10 में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर हमें मीटर ही है और मीटर को मीटर से अलग अलग कर रहे हैं, तो हम इसको फिर 5 भागों में डिवाइड करेंगे। 5 भागों में क्यों करेंगे? क्योंकि 5 मीटर एक एक मीटर से मिलके बना होगा। तो अब क्या करना है हमें, फिर इंक्लाइन लाइन खींचना है यहाँ पर, उसके बाद 1, 1.5 जो भी जितना भी आप इसकी मदद से डायमेंशन लेके, फिर क्या करोगे आप, इसको 5 भागों में डिवाइड करोगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो जितना नीचे का काम होता है ये 4H पेंसिल से जनरली हम करते हैं, है ना, ताकि हमें दिखे ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और ये हमें स्केल मेन दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसके बाद, हम जैसे ही ये किया इसको मिलाएंगे हम सेम जो पहले जैसा है, सबसे पहले ऊपर, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा गैप बढ़िया आएगा, ये स्केल जो है वो अच्छी बनेगी, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर बराबर गैप। इतना करने के बाद जैसा कि ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पॉइंट लेना 1 सेंटीमीटर पे बीचों बीच, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इनको ऊपर मिला देंगे, इसके बिल्कुल वर्टिकल लाइन लेके, है ना, वर्टिकली करना है इसको इस टाइप से, देख रहे होगे आप शायद, बिल्कुल अच्छी सी एक ड्राइंग बन के आपके सामने आई है। इसके बाद इसकी नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी, 0, यहाँ पर 1 आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ इस साइड क्या लिखेंगे हम, इस ये 5 मीटर है, 5 मीटर से एक एक मीटर वाला ही तो भाग है, तो यहाँ भी मीटर ही आएगा, METRE बिल्कुल इसके जस्ट सामने, और इसके बाद नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे RF, RF कितना है हमारा, 1/200, RF भी मेंशन करना है, लेंथ कर सकते हैं हम मेंशन, कितनी थी, 2.5 डेकामीटर थी, जिसको हमने 25 मीटर में चेंज किया, फिर हमने इसको कितना लिया, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब इसमें हमें 19 मीटर शो करना है, ठीक है। तो 19 मीटर अगर आपको शो करना है तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे आप,
इसमें अगर 19 मीटर शो करना है तो किस टाइप से करोगे? देख रहे होगा आप 15 और 20, बीच में तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक 15 वाला भाग लेंगे प्लस 15 में और कितने होंगे इसमें, 16, 17, 18, 3 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 मीटर, इसलिए हमने इसको ऐसे डिवाइड किया। तो आपको करना क्या है, एक 15 से एक लाइन खींचोगे, उसके बाद एक 3 से एक लाइन जाएगी हमारी, और ये डायमेंशन लाइन बनाएंगे हम बिल्कुल इसकी सीध में। ये करने के बाद एरो हेड्स प्रॉपर बनाना है आपको, एरो हेड्स में बच्चे गलती करते हैं, सही नहीं बनाते एरो हेड्स, और यहां पर लिखेंगे 19 मीटर। यहां पर आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो, ए बी सी एंड डी। तो इस टाइप से अगर आप बनाओगे स्केल, तो मैं श्योरली आपको गारंटी कह रहा हूं कि आपको 7 में से 7 नंबर ही मिलेंगे, और इसके साथ आपको आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल वाला कैलकुलेशन साइड में करना है, ठीक है। तो होप शायद आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसको अच्छे से समझिए, बार बार वीडियोस देखिए, और कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिससे कि मैं इनकरेज होता रहूं और ज़्यादा वीडियो लेक्चर इस पर डालता रहूं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, जो कि प्लेन स्केल का ही होगा। प्लेन स्केल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो डायगोनल स्केल के क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे। डायगोनल स्केल के 1-2 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, और सफाई बहुत ज़रूरी है। ये जो रफ़ वाला पोर्शन है, ये आपको ऐसे नहीं करना है ना, रफ़ वाला पोर्शन रफ़ ही पार्ट में करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ नहीं करना है, बस प्रॉपर आपको एक अच्छे से ड्राइंग बनाना है। इनको बिल्कुल इक्वल रखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, आरएफ लिखना है, पूरी चीज़ें मेंशन करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेके, अगला टाइप्स लेके, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ताकि जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।